ब्रह्मा द्वारा कहा गया भगवान सूर्य का नाम स्रोत। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क्य, भगवान सूर्य जिन नामों के स्तवन से प्रसन्न होते हैं मैं उनका वर्णन करता हूं। नित्य, रवि, अर्क, भानु, भास्कर, मतंग, मार्तंड तथा विवस्वान नामों से युक्त भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। आदिदेव, रश्मिमाली, दिवाकर, दीप्त, अग्नि तथा मिहिर नामक भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार है। हे अदिति के पुत्र भगवान सूर्य, आप प्रभाकर, मित्र, गोपति, किरणों के स्वामी तथा दिक्पति नाम वाले हैं, आपको मेरा नित्य नमस्कार है। धाता, विधाता, अयर्मा, वरुण, उषा, भग, मित्र, परजन्य, अंशुमान नाम वाले भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। हितकृत, संसार का कल्याण करने वाले, धर्म, तपन, हरि, हरित्वाश्व, हरे रंग के अश्व वाले, विश्वपति भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। विष्णु, ब्रह्मा, त्रम्बक, शिव, आत्मस्वरूप, सप्त सप्ति, हे सप्त लोकेश, आपको मेरा नमस्कार है। अद्वितीय, एक चक्र रथ, जिनके रथ में एक ही चक्र है, ज्योतिषपति, हे सर्व प्राणभृत, सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले, आपको मेरा नित्य नमस्कार है। समस्त प्राणी जगत का हित करने वाले, शिव कल्याणकारी, आरतिहर, दुख विनाशी, पद्म प्रबोध, कमलों को विकसित करने वाले वेदादि मूर्ति भगवान सूर्य को नमस्कार है। प्रजापतियों के स्वामी महर्षि कश्यप के पुत्र, आपको नमस्कार है। भीम पुत्र तथा पावक नाम वाले तारासुत, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। भीषण कृष्ण अदिति पुत्र तथा लक्ष्य वाले भगवान सूर्य को बार बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा, याज्ञवल्क्य, जो मनुष्य सायंकाल और प्रातःकाल इन नामों का पवित्र होकर पाठ करता है वो मेरे समान ही मनोवांछित फलों को प्राप्त करता है। इस नाम स्रोत से सूर्य की आराधना करने पर उनके अनुग्रह से धर्म, अर्थ, काम, आरोग्य, राज्य तथा विजय की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य बंधन में हो तो इसके पाठ से बंधन मुक्त हो जाता है। इसके जप करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। ये जो सूर्य स्रोत मैंने कहा है वो अत्यंत रहस्यमय है। जम्बूद्वीप में सूर्य नारायण की आराधना के तीन प्रमुख स्थान, दुर्वासा मुनि का सांब को शाप देना। सुमंत मुनि बोले, राजन, ब्रह्मा जी से इस प्रकार उपदेश प्राप्त कर याज्ञवल्क्य के मुनि ने सूर्य भगवान की आराधना की, जिसके प्रभाव से उन्हें सालोक के मुक्ति प्राप्त हुई। अतः भगवान सूर्य की उपासना करके आप भी उस देव दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, जम्बूद्वीप में भगवान सूर्य देव का आदि स्थान कहाँ है, जहां विधिपूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके? सुमंत मुनि ने कहा, राजन, इस जम्बूद्वीप में भगवान सूर्य नारायण के मुख्य तीन स्थान हैं। प्रथम इंद्रवन है, दूसरा मुंडीर तथा तीसरा तीनों लोकों में प्रसिद्ध काल प्रिय कालपी नामक स्थान है। इस द्वीप में इन तीनों के अतिरिक्त एक अन्य स्थान भी ब्रह्मा जी ने बतलाया है, जो चंद्रभागा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसको सांबपुर भी कहा जाता है। वहां भगवान सूर्य नारायण सांब की भक्ति से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए अपने द्वादश रूपों से मित्र रूप में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उनका पूजन करता है उसको वे स्वीकार करते हैं। राजा शतानिक ने पुनः पूछा, महामुनि, सांब कौन है, किसका पुत्र है, भगवान सूर्य ने उसके ऊपर अपनी कृपा क्यों की, यह भी आप बताने की कृपा करें। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, संसार में द्वादश आदित्य प्रसिद्ध हैं। उनमें से विष्णु नाम के जो आदित्य हैं वे इस जगत में वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए। उनकी जाम्बवती नाम की पत्नी से महाबलशाली सांब नामक पुत्र हुआ। वो शापवश कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उससे मुक्त होने के लिए उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की और उसी ने अपने नाम से सांबपुर नामक एक नगर बसाया और यहीं पर भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिमा प्रतिष्ठापित की। राजा शतानिक ने पूछा, महाराज, सांब के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिससे उसे इतना कठोर शाप मिला? थोड़े से अपराध पर तो शाप नहीं मिलता। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, इस वृत्तांत का वर्णन हम संक्षेप में कर रहे हैं, आप सावधान होकर सुने। एक समय रुद्र के अवतार भूत दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हुए द्वारकापुरी में आए, परंतु पीले पीले नेत्रों से युक्त कृष्ण शरीर अत्यंत विकृत रूप वाले दुर्वासा को देखकर सांब अपने सुंदर स्वरूप के अहंकार में आकर
उनके देखने चलने आदि चेष्टाओं की नकल करने लगे। उनके मुख के समान अपना ही विकृत मुख बनाकर उन्हीं की भांति चलने लगे। ये देखकर और साम को रूप और यौवन का अत्यंत अभिमान है ये समझकर दुर्वासा मुनि को अत्यधिक क्रोध हो आया। वे क्रोध से कांपते हुए ये कह उठे, साम, मुझे कुरूप और अपने को अति रूप संपन्न मानकर तूने मेरा परिहास किया है, जा, तू शीघ्र ही कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा। ऐसे ही एक बार पुनः परिहास किए जाने के कारण दुर्वासा मुनि को फिर शाप देना पड़ा और उसी शाप के फलस्वरूप सांब से लोहे का एक मुसल उत्पन्न हुआ जो समस्त यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। अतः देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि की अवज्ञा बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं करनी चाहिए। इन्हें लोगों के समक्ष सदैव विनम्र ही बना रहना चाहिए और सदा मधुरवाणी ही बोलनी चाहिए। राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के समक्ष जो दो श्लोक पढ़े थे, क्या उनको आपने सुना नहीं? जो धर्मात्मा है तथा जिसने सम्मान एवं क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, विद्या से युक्त और विनम्र है, दूसरे को संताप नहीं देता, अपनी स्त्री से संतुष्ट है तथा पराई स्त्री का परित्याग करने वाला है, ऐसे मनुष्य के लिए संसार में किंचित मात्र भी भय नहीं है। पुरुष को चंद्रमा, जल, चंदन और शीतल छाया वैसा आनंदित नहीं कर पाते जैसा आनंद उसे हितकारी मधुर वाणी सुनने में प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार दुर्वासा मुनि के शाप से सांब को कुष्ठ रोग हुआ था। तदनंतर उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके पुनः अपने सुंदर रूप तथा आरोग्य को प्राप्त किया और अपने नाम का सांबपुर नामक एक नगर बसाकर उसमें भगवान सूर्य को प्रतिष्ठापित किया। सूर्य नारायण की द्वादश मूर्तियों का वर्णन। राजा शतानिक ने कहा, महामुने, सांब के द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य नारायण की जो स्थापना की गई है वह स्थान आदिकाल से तो नहीं है, फिर भी आप उस स्थान के महात्मा का इतना कैसे वर्णन कर रहे हैं, इसमें मुझे संदेह है। सुमंत मुनि बोले, भारत, वहां पर सूर्य नारायण का स्थान तो सनातन काल से है, सांब ने उस स्थान की प्रतिष्ठा तो बाद में की है, उसका हम संक्षेप में वर्णन करते हैं, आप प्रेम पूर्वक उसे सुने। इस स्थान पर परम ब्रह्म स्वरूप जगत स्वामी भगवान सूर्य नारायण ने अपने मित्र रूप में तप किया है। वे ही अव्यक्त परमात्मा भगवान सूर्य सभी देवताओं और प्रजाओं की सृष्टि करके स्वयं 12 रूप धारण कर अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसी से उनका नाम आदित्य पड़ा। इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्टा, अर्यमा, भग, विवस्वान, अंशु, विष्णु, वरुण तथा मित्र, ये सूर्य भगवान की द्वादश मूर्तियां हैं। इन सबसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। इनमें से प्रथम इंद्र नामक मूर्ति देवराज में स्थित है जो सभी दैत्यों और दानवों का संहार करती है। दूसरी धाता नामक मूर्ति प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि की रचना करती है। तीसरी पर्जन्य नामक मूर्ति किरणों में स्थित होकर अमृत वर्षा करती है। पूषा नामक चौथी मूर्ति मंत्रों में अवस्थित होकर प्रजा पोषण का कार्य करती है। पांचवी त्वष्टा नाम की जो मूर्ति है वो वनस्पतियों और औषधियों में स्थित है। छठी मूर्ति अर्यमा प्रजा की रक्षा करने के लिए पुरों में स्थित है। सातवीं भग नामक मूर्ति पृथ्वी और पर्वतों में विद्यमान है। आठवीं विवस्वान नामक मूर्ति अग्नि में स्थित है और वो प्राणियों के भक्षण करते हुए अन्न को पचाती है। नौवीं अंशु नामक मूर्ति चंद्रमा में अवस्थित है जो जगत को आप्यायित करती है। दसवीं विष्णु नामक मूर्ति दैत्यों का नाश करने के लिए सदैव अवतार धारण करती है। ग्यारहवीं वरुण नाम की मूर्ति समस्त जगत की जीवन दायिनी है और समुद्र में उसका निवास है, इसलिए समुद्र को वरुणालय भी कहा जाता है। बारहवीं मित्र नामक मूर्ति जगत का कल्याण करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान है। यहाँ सूर्य नारायण ने मात्र वायु पान करके तप किया है और मित्र रूप से यहाँ पर अवस्थित हैं, इसलिए इस स्थान को मित्रपद, मित्रवन भी कहते हैं। ये अपने कृपामय दृष्टि से संसार पर अनुग्रह करते हुए भक्तों को भांति भांति के वर देकर संतुष्ट करते रहते हैं। यह स्थान पुण्यप्रद है, महाबाहो, यहीं पर अमित तेजस्वी सांब ने सूर्य भगवान की आराधना करके मनोवांछित फल प्राप्त किया है। उनकी प्रसन्नता और आदेश से सांब ने यहाँ भगवान सूर्य को प्रतिष्ठापित किया। जो पुरुष भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण को प्रणाम करता है और श्रद्धा भक्ति से उनकी आराधना करता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में निवास करता है। देवर्षि नारद द्वारा सूर्य के विराट रूप तथा उनके प्रभाव का वर्णन। सुमंतु जी बोले, राजन, भयंकर कुष्ठ रोग का शाप प्राप्त कर
दुखित हो सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तात मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा, कृपा कर इसका उपाय आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, उससे तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तुम देवर्षि नारद द्वारा सूर्य नारायण के आराधना विधान की शिक्षा प्राप्त करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से उनकी आराधना का विधान बतलाएंगे। एक दिन नारद जी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। उसी समय सांब ने अत्यंत विनम्र भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महामुने मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे ऊपर कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर कुष्ठ रोगों से दूर हो सके और मेरा कष्ट दूर हो जाए। नारद जी ने कहा, सांब सभी देव जिनके स्तुति करते हैं उन्हीं का तुम भी पूजन करो, उन्हें की कृपा से तुम रोग से मुक्त हो जाओगे। सांब ने कहा, महाराज देवगण किसका पूजन और स्तवन करते हैं, आप ही उसे बताएं जिससे मैं उनके शरण में जा सकूं। यह शापाग्नि मुझे दग्ध कर रही है, ऐसा कौन देवता है जो कृपा करके मुझे इस विपत्ति से मुक्त करा सकेगा। नारद जी ने कहा, पुत्र समस्त देवताओं के पूज्य नमस्कार करने योग्य और निरंतर स्तुत्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं, तुम उनके प्रभाव को सुनो। किसी समय समस्त लोकों में विचरण करता हुआ मैं सूर्यलोक में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देवता गंधर्व नाग यक्ष राक्षस और अप्सराएं सूर्य नारायण की सेवा में लगे हुए हैं। गंधर्व गीत गा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। राक्षस यक्ष तथा नाग शस्त्र धारण करके उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद मूर्तिमान स्वरूप धारण कर स्वयं स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण भी वेदों की ऋचाओं से उनका स्तवन कर रहे हैं। मूर्ति रूप में प्रायः मध्यान्ह और सायंकाल की तीनों सुंदर रूप वाली संध्याएं हाथ में वज्र तथा बाण लिए हुए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित है। प्रातःकाल रक्तवर्ण की है, मध्यान्ह संध्या चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की एवं सायं संध्या मंगल के समान वर्ण वाली है। आदित्य वसु रुद्र मरुत तथा अश्विनी कुमार आदि सभी देवगण तीनों संध्याओं में उन भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। इंद्र सदैव वहां खड़े होकर भगवान सूर्य की जय जयकार करते रहते हैं। गरुड़ का ज्येष्ठ भ्राता अरुण उनका सारथी है, वो काल के अवयवों से निर्मित उनके रथ का संचालक है। हरे वर्ण के छंद रूप सात अश्व उनके रथ में जुटे हुए हैं। राज्ञी तथा निक्षुभा नाम की दो पत्नियां उनके दोनों ओर बैठी हुई हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर चारों ओर खड़े हैं। पिंगल लेखक दंडनायक आदि गण तथा कलमाश नामक दो पक्षी द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। दिंडी उनके सामने तथा ब्रह्मा आदि सभी देवता उनके स्तुति कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण का ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा कि यही देव है जो समस्त देवताओं के पूज्य है। सांब तुम उन्हीं के शरण में जाओ। सांब ने पूछा, महाराज मैं भली भांति ये जानना चाहता हूं कि सूर्य नारायण सर्वगत कैसे हैं, उनकी कितनी रश्मियां हैं, कितनी मूर्तियां हैं, राज्ञी तथा निक्षुभा नाम की ये दोनों भार्याएं कौन हैं, पिंगल लेखक और दंडनायक वहां क्या कार्य करते हैं, कलमाश पक्षी कौन है, उनके आगे स्थित रहने वाले दिंडी कौन है और वे कौन कौन देवता है जो उनके चतुर्दिक खड़े रहते हैं। आप इन सबका तत्वतः अच्छी तरह से वर्णन करें जिससे मैं भी सूर्य नारायण के प्रभाव को जानकर उनकी शरण में जा सकूं। नारद जी ने कहा, सांब अब मैं सूर्य नारायण के महात्म का वर्णन कर रहा हूं, तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। विवस्वान देव अव्यक्त कारण नित्य सत्य एवं असत स्वरूप हैं, दो तत्व चिंतक पुरुष हैं। वे उनको प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं। वे गंध वर्ण तथा रस से हीन एवं शब्द और स्पर्श से रहित हैं। वे जगत की योनि हैं तथा सनातन परम ब्रह्म हैं। वे सभी प्राणियों के नियंता हैं। वे अनादि अनंत अज सूक्ष्म त्रिगुण निराकार तथा अविज्ञेय हैं। उन्हें परम पुरुष कहा जाता है। उन्हें परमात्मा भगवान सूर्य से ये सब जगत परिप्याप्त है। उन परमेश्वर की प्रतिमा ज्ञान एवं वैराग्य लक्षणों वाली है। उनकी बुद्धि धर्म एवं ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली ब्राह्मी बुद्धि कही जाती है। उन अव्यक्त की जो भी इच्छा होती है वही सब उत्पन्न होता है। वे ही सृष्टि के समय चतुर्मुख ब्रह्मा बन जाते हैं और प्रलय के समय कालरूप हो जाते हैं। पालन के समय वे ही पुरुष विष्णु रूप ग्रहण कर लेते हैं। स्वयंभू पुरुष की ये तीनों अवस्थाएं उनके तीन गुणों के अनुसार है। वे आदि देव होने के कारण आदित्य तथा अजात होने के कारण अज कहे गए हैं।
देवताओं में महान होने से वे महादेव कहे गए हैं। समस्त लोकों के ईश होने तथा अधीश होने के कारण वे ईश्वर कहे गए हैं। बृहत् होने से ब्रह्मा तथा भवत्व होने से भव कहे जाते हैं। वे समस्त प्रजाओं की रक्षा और पालन करते हैं, इसलिए प्रजापति कहे गए हैं। पूर्व में शयन करने से पुरुष, उत्तपाद न होने और अपूर्व होने से स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध हैं। हरियाण्ड में रहने के कारण ये हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं। ये दिशाओं के स्वामी, ग्रहों के ईश, देवताओं के भी देवता होने से देवदेव तथा दिवाकर भी कहे जाते हैं। तत्वदृष्टा, ऋषियों ने आपको नार कहा है, ये अप इनका आश्रय है, इसलिए आप नारायण कहे गए हैं। और ये शीघ्रतावाचक शब्द है, आप ही समुद्र रूप धारण करने पर फिर उसमें शीघ्रता नहीं रहती, इसी के कारण उसे नार कहते हैं। प्रलय काल में सभी स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं। जब संपूर्ण जगत समुद्र के समान एकाकार हो जाता है, तब वे पुरुष नारायण रूप धारण करके उस समुद्र में शयन करते हैं। वे पुरुष वेदों में सहस्त्रों सिरों, सहस्त्रों भुजाओं, सहस्त्रों नेत्रों तथा सहस्त्रों चरणों वाले कहे गए हैं। वे ही देवताओं में प्रथम देवता तथा जगत की रक्षा करने वाले हैं। नारद जी ने पुनः कहा, साम, सहस्त्र युग के समान अपनी रात्रि बिताकर प्रभात होते ही उन पुरुष ने जब सृष्टि रचने की इच्छा की, तब उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई है। तदनंतर उन्होंने वराह रूप धारण करके महासागर के जल में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय उनका वेदमय शरीर कंपित हो उठा और रोमों में स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। पुनः ब्रह्मा का रूप धारण करके वे सृष्टि की रचना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने ही समान अपने मन से मुझ सहित श्रेष्ठ 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम हैं भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स, पुलह, क्रतु, मरीचि, दक्ष एवं वशिष्ठ। इन प्रजापतियों के सृष्टि करने के बाद प्रजाओं की हित कामना से वे ही सूर्य नारायण देवी अदिति के पुत्र रूप में स्वयं प्रादुर्भूत हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष की कन्या अदिति का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। उसने भूपूर्व स्व से संयुक्त एवं अंड उत्पन्न किया, जिससे द्वादशात्मा भगवान सूर्य प्रकट हुए। इस सूर्य मंडल का व्यास 9000 योजन है, 27000 योजन उसकी परिधि है। जिस प्रकार कदंब का पुष्प चारों ओर से केशरों से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सूर्य मंडल अपने किरणों से परिव्याप्त रहता है। वो सहस्त्रों सिर वाला पुरुष जिसको परमात्मा कहते हैं, इस तेजोमय मंडल के मध्य स्थित है। वो अपनी सहस्त्र किरणों द्वारा नदी, समुद्र, हल्द, कुप आदि से जल को ग्रहण कर लेता है। सूर्य की प्रभा तेज रात्रि के समय अग्नि में प्रवेश कर जाती है, इसलिए रात्रि में अग्नि दूर से ही दिखाई देने लगती है। सूर्योदय के समय वही प्रभा पुनः सूर्य में प्रविष्ट हो जाती है। प्रकाशत्व और उष्णत्व, ये दोनों गुण सूर्य में तथा अग्नि में भी हैं। इस प्रकार सूर्य और अग्नि एक दूसरे को आप्यावित किया करते हैं। साम, हेति, किरण, गौ, रश्मि, गभस्त, अभिषु, धन, उष्ण, वसु, मरीचि, नाड़ी, दिधति, साध, मयुख, भान, अनशु, सप्तार्चि, सुपर्ण, कर तथा पाद, ये 20 भगवान सूर्य की किरणों के नाम कहे गए हैं, जो संख्या में 1000 हैं। इनमें से 400 किरणें वृष्टि करती हैं, जिनका नाम चंदन है। इन किरणों का स्वरूप अमृतमय है। 300 किरणें हिम को वहन करती हैं, उनका नाम चंद्र है और वर्ण पीत है। शेष 300 शुक्ल नाम वाली किरणें धूप की सृष्टि करती हैं। ये सभी किरणें औषधियों, स्वधा तथा अमृत के रूप में मनुष्यों, पितरों तथा देवताओं को सदा संतृप्त करती रहती हैं। ये द्वादशात्मा काल स्वरूप सूर्यदेव तीनों लोकों में अपने तेज से तपते रहते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हैं। ऋक्, यजुर् एवं साम, ये तीनों वेद भी यही हैं। प्रातः काल में ऋग्वेद, मध्यान्ह काल में यजुर्वेद तथा संध्या काल में सामवेद इनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के द्वारा इनका पूजन नित्य होता रहता है। जिस प्रकार वायु सर्वगत है, उसी प्रकार सूर्य की किरणें भी सर्वव्याप्त हैं। 300 किरणों के द्वारा भूलोक प्रकाशित होता रहता है। इसके पश्चात जो शेष किरणें हैं, वे 300 की संख्या में शेष अन्य दोनों लोकों, भूवरलोक और स्वरलोक को प्रकाशित करती हैं। 100 किरणों से पाताल प्रकाशित होता है। ये नक्षत्र, ग्रह तथा चंद्रमा आदि ग्रहों के अधिष्ठान हैं। चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र तथा तारा गणों में सूर्य नारायण का ही प्रकाश है। इनकी 1000 किरणों में ग्रह संज्ञक 7 किरणें मुख्य हैं, जिनमें सुषुम्ना, हरिकेश, विश्वकर्मा, सूर्य, रश्मि, विष्णु और सर्वबंधु कहा जाता है। संपूर्ण जगत के मूल भगवान आदित्य ही हैं। इंद्र आदि देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। देवताओं तथा जगत का संपूर्ण तेज इन्हीं का है। अग्नि में दी गई आहुति सूर्य नारायण को ही प्राप्त होती है, इसलिए आदित्य से ही वृष्टि उत्पन्न होती है।
वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है तथा अन्न से प्रजा का पालन होता है। ध्यान करने वाले लोगों के लिए ध्यान रूप और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से आराधना करने वाले लोगों के लिए यह मोक्ष स्वरूप है। क्षण, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्तर तथा युग की कल्पना सूर्य नारायण के बिना संभव नहीं है। काल नियम के बिना अग्निहोत्राद्रि कर्म नहीं हो सकते। ऋतु विभाग के बिना पुष्प फल तथा मूल की उत्पत्ति संभव नहीं है। उनके न रहने से तो जगत के संपूर्ण व्यवहार ही नष्ट हो जाते हैं। सूर्य नारायण के सामान्य द्वादश नाम इस प्रकार के हैं: आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर और रवि। विष्णु, धाता, भग, पुषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्रष्टा तथा पर्जन्य, ये द्वादश आदित्य हैं। चैत्रादि 12 महीनों में ये द्वादश आदित्य उदित रहते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, आश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पुषा, माघ में भग तथा फाल्गुन में त्वष्टा नाम के आदित्य तपते हैं। उत्तरायण में सूर्य किरणें वृद्धि को प्राप्त करती हैं और दक्षिणायन में वो किरण वृद्धि घटने लगती है। इस प्रकार सूर्य किरणें लोकोपकार में प्रवृत्त रहती हैं। जैसे स्फटिक में विभिन्न रंगों के प्रविष्ट होने से वो अनेक वर्ण का दिखाई देता है। जैसे एक ही मेघ आकाश में अनेक रूपों का हो जाता है तथा गुण विशेष में जैसे आकाश से गिरा हुआ जल भूमि के रस वैशिष्ट से अनेक स्वाद और गुण वाला हो जाता है। जिस प्रकार एक ही अग्नि ईंधन भेद के कारण अनेक रूपों में विभक्त हो जाती है। जैसे वायु पदार्थों के संयोग से सुगंधित और दुर्गंध युक्त हो जाती है। जैसे ग्रहाग्नि के भी अनेक नाम हो जाते हैं, उसी प्रकार एक सूर्य नारायण ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि अनेक रूप धारण करते हैं। इसलिए इनकी ही भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार जो सूर्य नारायण को जानता है वो रोग तथा पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। पापी पुरुष की सूर्य नारायण के प्रति भक्ति नहीं होती। इसलिए शाम तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे तुम इस भयंकर व्याधि से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त कर लोगे। भगवान सूर्य का परिवार। सुमंत मुनि बोले, राजन, सांब ने नारद जी से पुनः कहा, महामुने, आपने भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत आनंदप्रद महात्म का वर्णन किया, जिससे मेरे हृदय में उनके प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई। अब आप भगवान सूर्य नारायण की पत्नी महाभागा राज्ञी एवं नक्षुभा तथा डिंडी और पिंगल आदि के विषय में बताएं। नारद जी ने कहा, साम, भगवान सूर्य नारायण की राज्ञी और नक्षुभा नाम की दो पत्नियां हैं। इनमें से राज्ञी को धौ अर्थात स्वर्ग और नक्षुभा को पृथ्वी भी कहा जाता है। पौष शुक्ल सप्तमी तिथि को धौ के साथ और माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को नक्षुभा, पृथ्वी के साथ सूर्य नारायण का संयोग होता है, जिससे राज्ञी, धौ से जल तथा नक्षुभा पृथ्वी से तीनों लोकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की सस्य संपत्तियां उत्पन्न होती है। सस्य अन्न को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहाकार तथा स्वधाकार से देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। जिस प्रकार राज्ञी अपने दो रूपों में हुई और ये जिनकी पुत्री हैं तथा इनकी जो संतानें हुई उनका हम वर्णन करते हैं, इसे आप सुने। साम, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप से हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु से प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन नाम का पुत्र हुआ। विरोचन की बहन का विवाह विश्वकर्मा के साथ हुआ, जिससे संध्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मरीचि की सुरूपा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मवादिनी बहन ने आठवें प्रभास नामक वसु से पाणी ग्रहण किया, जिसका पुत्र विश्वकर्मा समस्त शिल्पों को जानने वाला हुआ। इन्हीं का नाम त्वष्टा भी है, जो देवताओं के बढ़ई हुए। इन्हीं की कन्या संध्या को राज्ञी कहा जाता है। इन्हीं को द्यौ, त्वाष्ट्री, प्रभा तथा सुरेणु भी कहते हैं। इन्हीं संध्या की छाया का नाम निक्षुभा है। सूर्य भगवान की संध्या नामक भार्या बड़ी ही रूपवती और पतिव्रता थी, किंतु भगवान सूर्य नारायण मानव रूप में उसके समीप नहीं जाते थे और अत्यधिक तेज से परिव्याप्त होने के कारण सूर्य नारायण का वो स्वरूप सुंदर मालूम नहीं होता था। अतः वो संज्ञा को भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न हुई,
किंतु सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल होकर वो अपने पिता के घर चली गई और हजारों वर्ष तक वहां रही। जब पिता ने संध्या से पति के घर जाने के लिए अनेक बार कहा, तब वो उत्तर कुरुदेश को चली गई। वहां वो अश्विनी का रूप धारण करके तृण आदि चरती हुई समय बिताने लगी। सूर्य भगवान के समीप संध्या के रूप में उनकी छाया निवास करती थी। सूर्य उसे संध्या ही समझते थे। इससे दो पुत्र हुए और एक कन्या हुई, श्रुतश्रवा तथा श्रुतकर्मा। ये दो पुत्र और अत्यंत सुंदर तप्ती नाम की कन्या छाया की संतानी है। श्रुतश्रवा तो सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगा और श्रुतकर्मा ने शनैश्वर नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। संज्ञा जिस प्रकार से अपनी संतानों से स्नेह करती थी, वैसा स्नेह छाया ने नहीं किया। इस अपमान को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र सावर्णी मनु ने तो सहन कर लिया, किंतु उनके छोटे पुत्र यम धर्मराज सहन नहीं कर सके। छाया ने जब बहुत ही क्लेश देना शुरू किया, तब क्रोध में आकर बालपन तथा भावी प्रबलता के कारण उन्होंने अपनी विमाता छाया की भर्त्सना की और उसे मारने के लिए अपना पैर उठाया। ये देखकर क्रुद्ध विमाता छाया ने उन्हें कठोर शाप दे दिया, दुष्ट, तुम अपनी माँ को पैर से मारने के लिए उद्यत हो रहे हो, इसलिए तुम्हारा ये पैर टूट कर गिर जाए। छाया के शाप से बेहाल होकर यम अपने पिता के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। पुत्र की बातें सुनकर सूर्य नारायण ने कहा, पुत्र इसमें कुछ विशेष कारण होगा, क्योंकि अत्यंत धर्मात्मा तुझ जैसे पुत्र के ऊपर माता को क्रोध आया है। सभी पापों का तो निदान है, किंतु माता का शाप कभी अन्यथा नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह के कारण एक उपाय करता हूँ। यदि तुम्हारे पैर के मांस को लेकर कृमि भूमि पर चले जाए, तो इससे माता का शाप भी सत्य होगा और तुम्हारे पैर की रक्षा भी हो जाएगी। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण छाया के समीप जाकर बोले, छाये, तुम इनसे स्नेह क्यों नहीं करती हो? माता के लिए तो सभी संतानें समान ही होनी चाहिए। यह सुनकर छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे सूर्य नारायण को क्रोध आ गया और वे शाप देने के लिए उद्यत हो गए। छाया भगवान सूर्य को क्रुद्ध देखकर भयभीत हो गई और उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत बतला दिया। तब सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए। अपने जामाता सूर्य को क्रुद्ध देखकर विश्वकर्मा ने उनका पूजन किया तथा मधुर वचनों से शांत किया और कहा, देव, मेरी पुत्री संध्या आपके अत्यंत तेज को सहन न कर सकने के कारण वन को चली गई है और वो आपके उत्तम रूप के लिए वहां पर महान तपस्या कर रही है। ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि यदि उनकी अभिरुचि हो तो तुम संसार के कल्याण के लिए सूर्य को तराश कर उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मा का ये वचन सुनकर सूर्य नारायण ने स्वीकार कर लिया और तब विश्वकर्मा ने शाक द्वीप में सूर्य नारायण को भ्रमी खराद पर चढ़ाकर उनके प्रचंड तेज को खराद डाला, जिससे उनका रूप बहुत कुछ सौम्य बन गया। सूर्य नारायण ने भी अपने योग बल से इस बात की जानकारी की कि संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य हमारी पत्नी संध्या अश्विनी के रूप को धारण करके उत्तर कुरु में निवास कर रही है। अतः सूर्य भी स्वयं अश्व का रूप धारण करके उसके पास आकर मिले। फलतः कालांतर में अश्विनी से देवताओं के वैद्य जुड़वा अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। उनके नाम है नासत्य तथा दस्र। इसके पश्चात सूर्य नारायण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उस रूप को देखकर संध्या अत्यंत प्रीति से प्रसन्न हुई और वो उनके समीप गई। तत्पश्चात संध्या से रेवंत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो भगवान सूर्य नारायण के समान ही सौंदर्य संपन्न था। इस प्रकार सावर्णी मनु, यम, यमुना, शनि, तपती, दो अश्विनी कुमार, वैवस्व मनु और रेवंत, ये सब सूर्य नारायण की संतानें हुई। यम की भगिनी यमी यमुना नदी बनकर प्रभावित हुई। सावर्णी आठवें मनु होंगे। सावर्णी मनु मेरु पर्वत के पृष्ठ प्रदेश पर तपस्या कर रहे हैं। सावर्णी के भ्राता शनि एवं ग्रह बन गए और उनकी भगिनी तपती नदी बन गई, जो विंध्यागिरी से निकलकर पश्चिमी समुद्र में जाकर मिलती है। इस नदी में स्नान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। सौम्या नदी से तपती का संगम और गंगा नदी से वैवस्वी यमुना का संगम होता है। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जिनकी विद्या से ही वैद्यगण भूमि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य नारायण ने अपने समान रूप वाले रेवंत नामक पुत्र को अश्वों का स्वामी बनाया है। जो मानव अपने गंतव्य मार्ग के लिए रेवंत की पूजा करके प्रस्थान करता है, उसे मार्ग में क्लेश नहीं होता। विश्वकर्मा के द्वारा सूर्य नारायण को खराद पर चढ़ाकर जो तेज ग्रहण किया गया, उससे उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए भोजकों को उत्पन्न किया। जो अमित तेजस्वी सूर्य नारायण की संतानोत्पत्ति
कि इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है वो सभी पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में दीर्घकाल तक रहने के पश्चात पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है। सूर्य भगवान को नमस्कार एवं प्रदक्षिणा करने का फल और वेजिया सप्तमी व्रत की विधि। देवर्षि नारद ने कहा, साम अब मैं आपको भगवान सूर्य नारायण के पूजन, उनके निमित्त दिए गए दान तथा उनको किए गए प्रणाम एवं प्रदक्षिणा के फल के विषय में दिंडी और ब्रह्मा जी का संवाद सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी बोले, दिंडिन, सूर्य भगवान का पूजन, उनके स्तुति, जप, प्रदक्षिणा तथा उपवास आदि करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण को नम्र होकर प्रणाम करने के लिए भूमि पर जैसे ही सिर का स्पर्श होता है वैसे ही तत्काल सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की प्रदक्षिणा करता है उसे सप्त दीपा वसुमती की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त हो जाता है और वो समस्त रोगों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त करता है। किंतु प्रदक्षिणा में पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है, अतएव जूता या खड़ायु आदि पहनकर प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य जूता या खड़ायु पहनकर सूर्य मंदिर में प्रवेश करता है वो असिपत्र वन नामक घोर नरक में जाता है। जो प्राणी षष्ठी या सप्तमी के दिन एकाकार अथवा उपवास रखकर भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण का पूजन करता है वो सूर्य लोक में निवास करता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी को रक्त पुष्पहारों से और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को श्वेत कमल पुष्प तथा मोदक आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती संपूर्ण पापों से मुक्त हो सूर्य लोक को प्राप्त करता है। दिंडिन, जया, विजया, जयंती, अपराजिता, महाजया, नंदा तथा भद्रा नाम की ये सात प्रकार की सप्तमियां कही गई हैं। यदि शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रविवार हो तो उसे विजया सप्तमी कहते हैं। उस दिन किया गया स्नान, दान, होम, उपवास, पूजन आदि सत्कर्म महापातकों का विनाश करता है। इस विजया सप्तमी व्रत में पंचमी तिथि को दिन में एक भुक्त रहें, षष्ठी तिथि को नक्त व्रत करें और सप्तमी को पूर्ण उपवास करें। तदनंतर अष्टमी के दिन व्रत की पारणा करें। इस तिथि के दिन किया गया दान, हवन, देवता तथा पितरों का पूजन अक्षय होता है। द्वादश रविवारों का वर्णन और नंदादित्य व्रत की विधि। दिंडी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन, जो मनुष्य आदित्यवार के दिन श्रद्धा भक्ति से सूर्य देव का स्नान दानादि कर पूजन करते हैं उनको कौन सा फल प्राप्त होता है और जिस वार के संयोग से सप्तमी तिथि विजया कहलाती है उसके महात्म का आप पुनः वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, दिंडिन, जो मनुष्य आदित्यवार को श्राद्ध करते हैं वे सात जन्म तक निरोग रहते हैं तथा जो नक्त व्रत एवं आदित्य हृदय का पाठ करते हैं वे रोग से मुक्त हो जाते हैं और सूर्य लोक में निवास करते हैं। उपवास रखकर जो महाश्वेता मंत्र का जप करते हैं वे मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। आदित्यवार के दिन महाश्वेता मंत्र तथा षड्गशर मंत्र खहोल्लकाय स्वाहा का जप करने से निसंदेह सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण के द्वादश वार इस प्रकार है, नंद, भद्र, सौम्य, कामद, पुत्रद, जय, जयंत, विजय, आदित्याभिमुख, हृदय, रोगहा एवं महाश्वेता प्रिय। माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी की नंद संध्या है। उस दिन नक्त व्रत करके धृत से सूर्य नारायण को स्नान कराना चाहिए तथा श्वेत चंदन, अगस्त के पुष्य, गुगुल धूप आदि से पूजन करके अपूप आदि का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण को अपूप देकर स्वयं भी मौन धारण कर भोजन करना चाहिए। गेहूं के अथवा यव के चूर्ण में धृत तथा खांड या शक्कर मिलाकर अपूप बनाना चाहिए और उसी का नैवेद्य सूर्य नारायण को निवेदित कर निम्न मंत्र पढ़ते हुए ब्राह्मण को वो नैवेद्य दे देना चाहिए। ब्राह्मण नैवेद्य ग्रहण कर ले तदनंतर उस नैवेद्य को निम्न मंत्र पढ़ते हुए पूजक को दें। उपर्युक्त दोनों मंत्र ग्रहण करने और समर्पित करने के लिए हैं।
नंदवार का ये विधान कल्याणकारी है। जो इस विधि से सूर्य देव की पूजा करता है उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है, उसकी संतति का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात उसकी कुल परंपरा पृथ्वी पर चलती रहती है तथा उसके वंश में दारिद्र एवं रोग नहीं होते। सूर्यलोक प्राप्त करने के पश्चात पुनर्जन्म होने पर वो पृथ्वी का राजा होता है। इस पूजन विधान को पढ़ने अथवा श्रवण करने से भी कल्याण होता है एवं दिव्य अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भद्रादित्य, सौम्यादित्य और कामादादित्य वार व्रतों की विधि का निरूपण। ब्रह्मा जी बोले, दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो वार हो उसका नाम भद्र है। उस दिन जो मनुष्य नक्त व्रत और उपवास करता है वह हंस युक्त विमान में बैठकर सूर्यलोक को जाता है। उस दिन श्वेत चंदन, मालती, पुष्प, विजय धूप तथा खीर के नैवेद्य से मध्यान्ह काल में सूर्य नारायण का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। दिन यदि रोहिणी नक्षत्र से युक्त आदित्यवार हो तो उसे सौम्यवार कहा जाता है। उस दिन किए जाने वाले स्नान, दान, जप, होम, पितृदेवादि, तर्पण तथा पूजन आदि कृत्य अक्षय होते हैं। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो वार हो वो कामदवार कहलाता है। ये वार भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भक्ति और श्रद्धा से सूर्य नारायण की पूजा करता है वो सभी पातकों से विमुक्त होकर सूर्यलोक में निवास करता है। इस व्रत को करने से विद्यार्थी को विद्या, पुत्रेच्छु को पुत्र, धनार्थी को धन और आरोग्य के अभिलाषी को आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार कामदवार व्रत से और अन्य सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसीलिए इसका नाम कामद है। पुत्रद जय, जयंत संज्ञक आदित्यवार व्रतों की विधि। ब्रह्मा जी बोले, दिन जिस आदित्यवार को हस्त नक्षत्र हो उसे पुत्रद आदित्यवार कहा जाता है। उस दिन उपवास करना चाहिए और श्राद्ध करके मध्यम पिंड का प्राशन करना चाहिए। धूप, माल्य, दिव्य गंध आदि नाना प्रकार के उपचारों से सूर्य नारायण का पूजन कर महाश्वेता मंत्र को जपते हुए साधक को सूर्य नारायण के समक्ष ही शयन करना चाहिए। प्रातः काल में ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। रक्त चंदन तथा करवीर के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात पांच ब्राह्मणों को बुलाकर उनमें से दो ब्राह्मणों को मग संज्ञक तथा तीन ब्राह्मणों को भीम संज्ञक मानकर विधि पूर्वक पार्षण श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के समाप्त होने पर मध्यम पिंड को भगवान सूर्य के सामने रखकर निम्नलिखित मंत्र से भक्षण करना चाहिए। इस विधान से पूजा करने पर सूर्य नारायण निश्चित ही पुत्र प्रदान करते हैं। इस प्रकार उपवास पूर्वक व्रत को करने से धन धान्य, सुवर्ण, सुख, आरोग्य तथा सूर्यलोक भी प्राप्त होता है, किंतु विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति ही फल है। इसी से इस वार को पुत्रद कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, दिन दक्षिणायन के दिन जो वार हो वो जयवार कहा जाता है। इस दिन किया गया उपवास, नक्त व्रत, स्नान दान तथा जप भगवान सूर्य में 100 गुनी प्रीति बढ़ाने वाला होता है। अतः सूर्य में 100 गुनी प्रीति बढ़ाने वाले इस नक्त व्रतादि को अवश्य करना चाहिए। यदि उत्तरायण के दिन रविवार हो तो उसे जयंतवार कहते हैं। इस दिन भगवान सूर्य स्नान दानादि कर्म तथा पूजन करने वालों को 1000 गुना फल प्रदान करते हैं। इस दिन उपवास करके घृत, दूध तथा इक्षुरस से सूर्य नारायण को स्नान कराकर कुमकुम का विलेपन करना चाहिए और गुक्कुल का धूप देकर मोदक का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण का पूजन करके तिल से हवन करना चाहिए। तदनंतर यथाशक्ति ब्राह्मणों को मोदक, तिल तथा शशकुली पूरी का भोजन कराना चाहिए। विजय आदित्याभिमुख तथा हृदयवार व्रतों की विधि। ब्रह्मा जी बोले, दिन शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को विजय संज्ञक आदित्यवार कहते हैं। वो संपूर्ण पापों और भयों को नष्ट कर देता है
उस दिन संपन्न किए गए पुण्य कर्म कोटि गुना फल प्रदान करते हैं। दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को जो दिन हो उसे आदित्याभिमुख कहते हैं। उस दिन प्रातः काल ही स्नान कर गंध पुष्पादि उपचारों से सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर रक्त चंदन के काष्ठ से बने हुए स्तंभ का आश्रय लेकर सूर्य देव की ओर मुख करके महाश्वेता मंत्र जपते हुए सायंकाल तक खड़ा रहना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात मौन होकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करते हैं उन्हें भगवान सूर्य नारायण का अनुग्रह प्राप्त होता है। दिन संक्रांति के दिन रविवार हो तो उसका नाम हृदयवार होता है। वो आदित्य के हृदय को अत्यंत प्रिय है। उस दिन नक्त व्रत करके मंदिर में सूर्य नारायण के अभिमुख 108 बार आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए अथवा सायंकाल तक भगवान सूर्य का हृदय में ध्यान करना चाहिए। सूर्यास्त होने के पश्चात घर आकर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा मौन पूर्वक स्वयं भी खीर का भोजन करके सूर्य देव का स्मरण करते हुए भूमि पर ही शयन करें। इस प्रकार जो इस दिन व्रत रहकर श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण की पूजा करता है उसके समस्त अभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं और वो भगवान सूर्य के समान ही तेज कांति तथा यश को प्राप्त करता है।